बाद में उनको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि आमने से लड़की के बारे में वो बात कर रही है कि आमने ऐसी कोई ऐसी है, इसलिए बाद में वो पछताएंगी कि हमने आमना को बहुत, जो आप लोग सच सुनना चाहते हैं ना वो तो हम आपसे कभी भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे और आमना को पता है कि आप क्या चाहते हैं, वो हम आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए आप जितनी भी बैड कमेंट्स, अस्सलामुअलैकुम, आप सब पूछ रहे हैं आशापी आपकी तबीयत कैसी है, फीवर उतरा के नहीं उतरा, गला टिक कुमारी के, ये देख ले आशापी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, कल जब पार्टी से मैं आई हूँ तो मुझे और फीवर हो गया है, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है, मेरी मम्मा भाभी भी बैठी हुई है यहाँ, मम्मा भाभी आपकी मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ, क्या होगा अब, दूसरी खाओ आप, कोई बताए ना कोई मेडिसिन, क्या बताऊँ मेरा अपना गला खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, ये सब वो कह रही है, ये सब कह रही है आशा, आप बोलो मत, अगर मैं नहीं बोलती ना मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज़ चली गई है, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है मुझे, बहुत ज्यादा, पता नहीं अब क्या होगा, कितने दिन लगेंगे मेरी आवाज़ ठीक होने में, बस। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे इतने अच्छे अच्छे डीएम करते हैं और मुझे समझते हैं, और उन लोगों को भी थैंक्स जो मुझे नहीं समझते और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, अल्लाह करे एक दिन उनको भी समझ आ जाए तो वो भी, उनकी मैं फेवरेट बन जाऊँगी एक दिन, पूरा यकीन है मुझे, क्योंकि मैं कभी पीछे नहीं हटती, अगर कुछ ठान लूँ तो मैं करके रहती हूँ, तो बहुत दिल कह रही हूँ, बहुत जल्द मैं उनका दिल भी जीत लूँगी। 2000 years later. Assalamualaikum, good morning. तो बहुत से डी मुझे आ रहे थे आशा आपकी, अब आपकी तबीयत कैसी है, तो अल्लाह का शुक्र है अब मेरी तबीयत बेटर है, बस थोड़ा सा गला अभी भी खराब है, आपको आवाज से पता चल रहा होगा। तो और बहुत से जो आजकल बैड कमेंट्स आ रही हैं आमना की बेबी फेस रिवील की वीडियो में, और साथ ये जो रिएक्शन की वीडियोस बन रही हैं आमना और आयशा के खिलाफ, तो जो आप लोग सच सुनना चाहते हैं ना वो तो हम आपसे कभी भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे और आमना को पता है कि आप क्या चाहते हैं, वो हम आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए आप जितनी भी बैड कमेंट्स हमारे बारे में करनी है, वीडियोज़ बनानी, कुछ भी करना है ना आप कर लें, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच होता है ना, सच्चा बंदा होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब कितना भी हमें टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे ना, पर हम ना कभी भी मतलब वो नहीं बनेंगे कि टूट जाएंगे दोनों बहनें और आप लोगों के सामने सच बता देंगे कि जी ये है तो वो है, किसी के खिलाफ बात कर लेंगे, ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप ना जीने दें, और तो मुझे और आमना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 8 साल से यूट्यूब पर हैं, और इन बैड कमेंट्स का हम पर कोई असर नहीं पड़ता, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बस आपको बताना चाहते हैं कि बाद में आप ना पछताएं, क्योंकि आमना के बारे में जो आप बोल रही हैं ना रिएक्शन वीडियोस वाली, इसलिए मैंने बोल रही हूँ कि बाद में उनको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि आमना ऐसी लड़की के बारे में वो बात कर रही है कि आमना ऐसी कोई ऐसी है, इसलिए बाद में वो पछताएंगी कि हमने आमना को बहुत बुरा समझा, क्योंकि आमना ना कभी गलत थी और ना ही कभी गलत होगी, क्योंकि वो अपने भाई से जितना प्यार करती ना कोई नहीं कर सकता, मैं तो करती हूँ अपने भाई से प्यार, पर आमना मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है बिलाल से, तो प्लीज़ उसको ना कहें कि उसने बिलाल के साथ ये किया और वो किया, क्योंकि आमना जैसी बहन हर किसी को नहीं मिलती। उस दिन जो मैंने शॉपिंग की थी निशात लीलन से, तो आप लोग बोल रहे थे आशा जी खाएं आपने कौन सी शॉपिंग की है, कौन से ड्रेसेस लिए, तो आज मैं आपको उनमें से जो वन ड्रेस है ना वो आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा है। तो वो है ये ड्रेस जो मैंने निशात लीलन से लिया था उस दिन, और दो और हैं पर आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है ड्रेस और इसकी प्राइस है 8,500, और मुझे ये मिला था 6,800 में 20% डिस्काउंट में उस दिन। तो आज ये ड्रेस मैं पहनने लगी हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊं, तो ये बहुत ही जबरदस्त ड्रेस है। तो आयशा आज आई हुई है इधर दावत पे, तो आयशा मुझे कह रही है कि तुम लोग पोस्ट क्यों लगाते हो इंस्टा पे, रील बनाया करो, रील और पोस्ट में फर्क क्या है मुझे ये बताओ। आजकल रील पे सब कुछ करते हैं, मतलब वीडियो अपलोड वगैरह, यानी कि रील और पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं, पोस्ट में कर लेते हैं कुछ, रील में कर लेते हैं, पर ज्यादातर रील्स में चल रही है, रील चल रही है, तो आज से भी मैं अभी रील्स बनाया करूंगा, पोस्ट कैंसिल, चलो।